मुझे श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर विमान एक्सलेंस के इस सुंदर परिसर में आकर बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है। आज डिग्री प्राप्त करने सभी विद्यार्थियों बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑनरारी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए गणमान्य व्यक्तियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु पूर्णिमा का ये पवित्र दिन हमारे शिक्षकों और आध्यात्मिकों मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए समर्पित है। हमारे गुरुजन हमारे जीवन निर्माता है। विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों में भी गुरु का अंश विद्यमान होता है। मैं चाहूँगी कि आप सभी विद्यार्थीगण अपने अभिभावकों शिक्षकों और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले सभी व्यक्तियों की भी कृतज्ञता का भाव आजीवन बनाए रखें। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस शिक्षण संस्थान में सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दिए जाने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो रही है। इस संस्था द्वारा श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च नामक एक निःशुल्क मेडिकल कॉलेज भी स्थापना की गई है। मुझे बताया गया है कि इस प्रयास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली सहित कई शीर्षस्थ संस्थानों के साथ सहभागिता की जा रही है। इससे हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में और अधिक विकास संभव होगा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज और देश के प्रगति के लिए बुनियादी आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को उनकी आर्थिक समस्याओं के बावजूद सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में चलाई जा रही है, जिससे अनेक गरीब परिवार लाभान्वित हो रही है। श्री सत्य साई बाबा के आदर्श इस संस्था का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना था कि शिक्षा केवल एकेडमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं इस संस्था से जुड़ी सभी लोगों को समाज सेवा के इस कार्य के लिए बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, आज हमारी बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थियों में से 66% से अधिक लड़कियां हैं और आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 17 विद्यार्थियों में से 11 यानी लगभग 65% लड़कियां हैं। पहले झारखंड के राज्यपाल, बाद में राष्ट्रपति के रूप में मैंने अनेक दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। मैंने देखा है कि विश्वविद्यालय में हमारी बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी अनेक पुरस्कार समारोह में भी बड़ी संख्या में महिलाएं पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। इस संदर्भ में मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में सर्वोच्च 4 स्थान हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं।
ये इस बात का संकेत है कि बराबर अवसर मिलने पर हमारी बेटियां बेटों से भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ये भारत में हो रहे बदलाव और देश के सुनहरे भविष्य की ये झलक है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने अपने देश की परंपराओं को, संस्कृति को, जनजीवन को तथा उनकी लोक परंपराओं में निहित ममता और करुणा जैसे मूल्यों को समझने का प्रयास किया है। मुझे भारत की समृद्ध परंपराओं पर गर्व होता है। परंपराओं के सुदृढ़ आधार पर आधुनिकता को अपनाते हुए महिलाएं देश के विकास में और भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान में 50% विद्यार्थियों ऐसे हैं जो मेरी ही तरह अपने परिवार में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले विद्यार्थी हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने और फिर एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल करने पर बढ़ने दबाव के कारण छात्रों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि परीक्षाएं आपकी शिक्षा का केवल एक आयाम है। परीक्षा के सफलता अपनी क्षमताओं को एकमात्र मापदंड नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आचरण, चरित्र और आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता और शिक्षण संस्थानों का भी कर्तव्य बढ़ना है कि ना विद्यार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करें और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने और आगे बढ़ने में मदद करें। देवियों और स्वजनों, अंत में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। 21 सदी में निर्मित ये शिक्षण संस्थान अनुपयोगी परंपराओं के बोझ से मुक्त है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान को अत्याधुनिक सोच के साथ विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के दृष्टि से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये संस्थान के फाउंडर, ये संस्थान के को फाउंडर, सभी सहयोगी, सभी छात्राएं एक काबिल, इनमें ये सक्षमता है, काबिलियत है। इसलिए मुझे विश्वास है ये आगे जाकर ये दुनिया में सबसे अच्छा एक संस्थान के नाम में नामित है। मेरी शुभकामना है कि शीघ्र ही ये संस्थान और यहाँ के विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली पहचान बनाने में सफल होंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।